हेलो विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू एमडी सर बायोलॉजी क्लास। आजना क्लास की अंदर मित्रों आपणे अभ्यास करीशुं कोषचक्र। मारी पाछळ तमे जोई शको छो, एक सरस मजानो चार्ट मैं बनावीने राख्यो छे कोषचक्रनो, जे एकदम ईजी ट्रीक छे। साथे साथे तमे जुओ के मैं त्यां कंईक 2020-2005 एवुं कंईक लखी राख्युं छे, एटले एनो मतलब ए थयो के घणा बधा प्रश्नो आनी अंदरथी नीटनी अंदर अवारनवार पूछाई जाय मित्रों। तो परीक्षानी दृष्टिए खूब ज सारो एक क्वेश्चन छे, जेने आपणे कहीए छीए कोषचक्र। तो चालो ए कोषचक्र विशे चर्चा करी लईए के कोषचक्र शू छे, ना तबक्काओ विशे चर्चा करीशुं। तो जनरली जो आपणे वात करीए के भाई कोषचक्रनी अंदर केटला तबक्का होय, तो अगाउना विडियोनी अंदर आपणे जोई लीधुं छे के भाई कोषचक्रनी अंदर एक तो आई तबक्को होय अने एक एम तबक्को होय। तो आई तबक्कानी वात करूं मित्रो, तो आई तबक्कानी अंदर त्रण तबक्का छे, जीवन एस अने जी टू, जीवन एस अने जी टू। अने एम तबक्कानी अंदर ज्यारे आपणे वात करीशुं त्यारे पूर्वावस्था, भाजना अवस्था, भाजनोत्तरावस्था, भाजनांतिमा अवस्था अने त्यारबाद कोषरस विभाजन विशे चर्चा करीशुं। परंतु सौथी पहेला आपणे आई अवस्था एटले के आंतर अवस्थानी वात करीए छीए, जेमां जीवन एस अने जी टू अने साथे साथे जी जीरो तबक्को शू छे तेना विशे पण आपणे चर्चा करवानी छे। तो आप आ वीडियो जोता रहेशो, आ वीडियो साथे संकळायेला रहेशो, खूब ज सरल रीते आपने आ क्वेश्चन आवडी जशे, साथे साथे नीटना प्रश्नों पण सोल्व थई जशे। तो मित्रों चालो शुरू करिए कोषचक्रनी अंदर। सौथी पहेला आई तबक्को, आई तबक्कानी अंदर त्रण तबक्काओनो समावेश थाय छे, जेमां एक छे जीवन एस अने जी टू। सौथी पहेली वात करिए आपणे जीवन तबक्काने मित्रों, तो जीवन तबक्काने गैप वन तबक्का तरीके अथवा गैप वन अवस्था तरीके पण ओळखवामां आवे छे। आ तबक्को शू छे, तो आ तबक्को समभाजन अने डीएनए स्वयंजनन। अहींया जोई शको छो के आ समभाजन तबक्को छे अने आ डीएनए स्वयंजनन तबक्को छे। तो समभाजन अने डीएनए स्वयंजनन वच्चेनो तबक्को छे, तो आ बन्नेना वच्चेनो आ तबक्को छे। क्यों? जीवन, जीवन तबक्को ए संभाजन अने डीएनए ना स्वयंजनन वच्चेनो तबक्को छे। ओके मित्रों, आ तबक्का दरमियान कोष चयापचय दृष्टिए सक्रिय होय छे, कोष चयापचय दृष्टिए सक्रिय होय छे। आ तबक्का दरमियान ते आरएनए अने प्रोटीननुं संश्लेषण करे छे, आ तबक्का दरमियान ते आरएनए अने प्रोटीननुं संश्लेषण पण करे छे। साथे साथे आ तबक्का दरमियान कोषनी वृद्धि थाय छे, आ तबक्कामां कोषनी शुं थाय? वृद्धि थाय, अने अंगिकाओमां पण वधारो थाय छे, एटले अंगिकाओ पण वधे छे। तो मित्रों आ जे तबक्को छे एने आपणे जीवन तबक्को कहीशुं। जीवन तबक्कानी वात करिए तो संभाजन अने डीएनए स्वयंजनन वच्चेनो तबक्को। हवे आ संभाजन एटले के संभाजन अने डीएनए स्वयंजनन वच्चेनो तबक्को, आ क्वेश्चन छे ए पण नीटनी अंदर पूछाई गयेलो छे के जीवन तबक्को कोनी साथे संकळायेलो छे, तो संभाजन अने डीएनए स्वयंजनन वच्चेनो तबक्को छे। जोड़कू पूछायुं हतुं मित्रों, तो आ आपणा ए माटे रीते आपणा माटे आईएमपी छे। बीजी वस्तु छे के जीवन पछीनो तबक्को कयो छे, तो जीवन पछीना तबक्काने कहीए एस तबक्को। कयो तबक्को? एस। एस तबक्कानी वात करिए तो एस तबक्काने संश्लेषण तबक्को कहे छे। एस तबक्काने शुं कहेवाय? संश्लेषण तबक्को। अने एस तबक्काने संश्लेषण तबक्का तरीके ओळखवामां आवे छे। आ तबक्का दरमियान डीएनए नुं शुं थाय छे? स्वयंजनन। डीएनए नुं शुं थाय? स्वयंजनन। के भाई आ तबक्का दरमियान डीएनए नुं स्वयंजनन थाय छे। त्यारबाद आ तबक्का दरमियान हिस्टोन प्रोटीननुं संश्लेषण थाय छे। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीननुं संश्लेषण आ तबक्कामां थाय छे। आ जे हिस्टोन प्रोटीननुं संश्लेषण थाय छे તે 2005માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે કે હિસ્ટોન પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ કયા તબક્કા દરમિયાન થાય? તો યાદ રાખજો મિત્રો, એસ તબક્કા દરમિયાન તેનું સંશ્લેષણ થાય છે। ઓકે, ક્લિયર થઈ જાય? એસ તબક્કો એટલે સંશ્લેષણ તબક્કો, આ તબક્કા દરમિયાન ડીએનએનું સ્વયંજનન થાય, હિસ્ટોન પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ થાય, અને આ તબક્કામાં ખાસ બાબત ડીએનએનું પ્રમાણ બેવડાય છે। ડીએનએનું પ્રમાણ બેવડાય છે, 2C થી 4C એટલે કે બમણું થઈ જાય છે ડીએનએનું પ્રમાણ બેવડાય છે। અહીંયા ડીએનએનું પ્રમાણ બેવડાય છે, એ ક્વેશ્ચન પણ 1996, 2000 અને 2014ની અંદર ત્રણ ત્રણ વાર આ ક્વેશ્ચન નીટની અંદર પૂછાયો છે મિત્રો, કે ડીએનએનું પ્રમાણ 2C થી 4C થાય છે। સાથે સાથે વાત કરીએ તો આ તબક્કાની અંદર એક વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે ભલે પ્રમાણ બેવડાય,
परंतु डीएनए नु प्रमाण भले बेवड़ाय रंगसूत्र की संख्या में वधारो थतो नथी। आ खास क्वेश्चन है मित्रों के रंगसूत्र की संख्या में वधारो थतो नथी। अने जीवन तबक्का में जो रंगसूत्रों 2n होय तो एस तबक्का में पण 2n ज रहे छे। जीवन तबक्का में रंगसूत्रों के होय 2n तो एस तबक्का में पण 2n रहे छे। केम? केम के डीएनए नु प्रमाण बेवड़ाय छे, संख्या में कोई फरक पड़तो नहीं। हूँ समझाऊँ छू आपने, पण पहले एक मुद्दों जोई लईए एस तबक्का नो के भाई प्राणी कोष में तारा केन्द्र पण बेवड़ाय छे। शू बेवड़ाय छे? तारा केन्द्र पण आ तबक्का में बेवड़ाय छे। प्राणी कोष नी अंदर तारा केन्द्र बेवड़ाय छे कया तबक्का में? एस तबक्का दरमियान। कया तबक्का दरमियान? एस तबक्का में। तो पहलो तबक्को कयो हतो? जीवन। त्यारबादनो तबक्को कयो छे? एस। एस तबक्का में प्राणी कोष में तारा केन्द्र बेवड़ाय छे, साथे साथे डीएनए नु संश्लेषण थाय छे, डीएनए नु स्वयंजनन थाय छे, हिस्टोन प्रोटीन नु संश्लेषण थाय छे, डीएनए 2C थी 4C बने छे, संख्या में वधारो थतो नथी, जीवन में 2N होय तो 2N एस तबक्का में पण 2N रहे छे। बधाने एम थतुं हशे कि साहेब जीवन तबक्का में 2N होय अने एस तबक्का में 2N रहे, शुं समजाव? तो हुं समजावुं छुं तमने मित्रों के जीवन तबक्का में 2N होय अने एस तबक्का में पण 2N रहे, एनो मतलब समझिए कि मानी लईए के आ N कहेवाय हेप्लॉइड अने आ जे छे बे रंगसूत्रो छे तो आपणे एने कहीशुं 2N। तो जीवन में जीवन तबक्का दरमियान आवी स्थिति होय छे, जीवन तबक्का दरमियान आवी स्थिति होय छे, पण ज्यारे आ रंगसूत्रो एस तबक्का में जाए त्यारे शुं थाय मित्रों? जुओ एना अंदर शुं थशे? डीएनए नुं प्रमाण बेवड़ाय छे। तो रंगसूत्रिकाओ बेनी जग्याए केटली थई गई चेक करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जे प्रमाण केटलुं हतुं? 2C હતું, એની જગ્યાએ 4C, એટલે કે બમણું થઈ ગયું, પણ રંગસૂત્રની સંખ્યામાં કોઈ ફરક પડ્યો? ના, રંગસૂત્રો તો બે હતા, બેના બે જ રહ્યા છે। જે જીવનમાં હતા એ કેવા હતા યાદ કરો ફરીથી, જીવનમાં હતા એ આ રીતે હતા, અને જ્યારે એસ તબક્કામાં પહોંચ્યા ત્યારે ડીએનએનું પ્રમાણ બમણું થયું છે। ડીએનએનું પ્રમાણ કેવું થયું છે? બમણું, એટલે કે સંખ્યામાં કોઈ ફરક પડતો નથી। ખૂબ સારી રીતે સમજાવ્યું છે મિત્રો, આવડી ગયું હશે કે સંખ્યામાં કોઈ ફરક પડતો નથી, સંખ્યા બદલાતી નથી, ડીએનએનું પ્રમાણ 2C થી 4C થાય છે। ઓકે મિત્રો, હવે ફરીથી આપણે ટોપિક પર જઈએ કે ભાઈ જીવન એસ પછી કયો તબક્કો આવે? તો જીવન એસ પછી જે તબક્કો આવે છે એ તબક્કાનું નામ છે G2 તબક્કો, ગેપ ટુ। આ ગેપ ટુ તબક્કાની વાત કરીએ તો આ અંતિમ તબક્કો છે, આ આંતર અવસ્થાનો અંતિમ તબક્કો છે, કેમ કે જીવન એસ અને પછી G2, પણ ગેપ ટુ અંતિમ તબક્કો છે। અને આ શું કરશે? તો કે હવે આ તબક્કા પછી કોષ એમ તબક્કામાં જશે, એટલે બેઝિક વસ્તુ છે કે એમ તબક્કા માટે જરૂરી દ્રવ્યો બનાવવાનું કામ કરશે। G2 તબક્કામાં શું થશે? જરૂરી દ્રવ્યો બનશે, કોષની વૃદ્ધિ ચાલુ રહેશે, જરૂરી દ્રવ્યો બનશે, અને એક પ્રોટીન બને છે ટિબ્યુલિન, ટિબ્યુલિન પ્રોટીનનું નિર્માણ થાય છે। આ વધારાના જેટલા પણ મુદ્દાઓ છે મિત્રો એ નીટ માટે છે, એ ધ્યાનમાં રાખવાના છે કે ટિબ્યુલિન પ્રોટીનનું નિર્માણ થાય છે। ઓકે મિત્રો, ખ્યાલ આવી જાય? ત્યારબાદ જે કોષ છે એ કોષ એમ તબક્કામાં પ્રવેશશે, વિભાજન પામશે, એકમાંથી બે કોષોનું નિર્માણ થશે, એટલે આગળની પ્રક્રિયા એ એમ તબક્કા તરીકે ઓળખાય છે। તો સૌથી પહેલાં આંતર અવસ્થા કદાચ પૂછાય, આંતર અવસ્થાનું ક્લિયર કરી લઈએ કે જીવન એસ અને G2, પણ કેટલાક કોષો એવા છે કે જે વિભાજન પામતા નથી અથવા ક્યારેક જ વિભાજન પામે, કેટલાક કોષો એવા છે કે જે વિભાજન પામતા નથી અથવા ક્યારેક જ વિભાજન પામે અને જીવનમાં આવે, જીવન તબક્કામાં આવે છે તે, અને જીવન તબક્કા પછી તે આગળના તબક્કામાં જતા નથી, તો એ કયો તબક્કો કહેવાય? તો મિત્રો યાદ રાખજો, એ તબક્કાને G0 તબક્કો કહીશું। કયો તબક્કો? G0 અથવા સુષુપ્ત અવસ્થા, તેઓ જીવનમાંથી નીકળી, જીવન તબક્કામાંથી નીકળી
पुनः पाछा जी जीरो में जता रहे आराम एकदम आराम में जता रहे ज्यारे जरूर पड़े तो ज काम करशे जरूर पड़े तो ज विभाजन पामता नहीं अथवा क्यारेक ज विभाजन पामे ज्यारे कोषनी अंदर शरीरनी अंदर कोई जगह जरूर पड़े तो ज विभाजन पामे कोई उदाहरण खरुँ के जे कोषो जी जीरो में जता रहता हो तो एवा जे कोषो छे एमा एक तो छे हृदयना कोषो अने बीजा जे छे मित्रों चेताकोषो तो आ बाबतोने पण आपणे ध्याननी अंदर राखीशुं के भाई एवा कोषो के जे कदी विभाजन पामता नथी अथवा क्यारेक ज जरूर पड़े त्यारे विभाजन पामे तो ते जीवनमांथी निकळीने क्यां जाय तो जी जीरो तबक्कामां जाय छे अने जी जीरो तबक्काने सुषुप्त तबक्का तरीके पण ओळखवामां आवे छे ए दरमियान तेओ विभाजन पामता नथी। हाँ बीजी एक वस्तु याद राखवानी के जी जीरो तबक्कामां जाय त्यारे ते भले निष्क्रिय होय पण चयापचयिक दृष्टिए ते सक्रिय होय छे। चयापचयिक दृष्टिए केवा होय छे मित्रों सक्रिय होय छे। तो आखो जे तबक्को हतो ए आंतर अवस्थानो तबक्को हतो। कोषचक्रनी अंदर जीवन एस अने जी टू तबक्का विशे समजाव्यु साथे साथे जी जीरो विशे समजाव्यु अने साथे साथे घणा बधा प्रश्नो जे नीटना छे ते फटाफट सॉल्व करी आपुं हुं तमने के भाई 2005 पूछायुं हतुं के हिस्टोन प्रोटीननुं संश्लेषण कया तबक्कामां थाय एस तबक्कानी अंदर बीजी वस्तु डीएनए नु प्रमाण कया तबक्कामां बेवड़ाय एस तबक्कानी अंदर बीजी वस्तु ए थाय के प्राणी कोषमां तारा केन्द्र कया तबक्कामां बेवड़ाय एस तबक्कानी अंदर बीजी वस्तु एम पूछाय के संभाजन अने डीएनए स्वयंचलन वच्चेनो तबक्को कयो छे जीवन तबक्को। कयो तबक्को छे मित्रों जीवन तबक्को। साथे साथे वात करीए अपेल जे तबक्को छे आ तबक्का ड्रॉ करेला छे मैं पूर्वावस्था एम तबक्काना पूर्वावस्था भाजनावस्था भाजनोत्तर अंत्य अने कोषरस शक्य छे के अहींया तमने ना आपे कशुं अहींया कशुं ना आपे अने अहींयामां आपी दे ए बी सी डी ई एमां सी अने ई स्थाने शुं आवेलुं छे तो आपणने ख्याल आवी जाय ज्यारे आवडतुं होय तो के भाई भाजनोत्तर अवस्था ने अहींया कोषरस विभाजन आवे तो आ क्वेश्चन पण 2009 एपीएमटी नी अंदर पूछायेलो छे मित्रों। साथे साथे वात करीए जी जीरो तबक्का विशे 2020 नी अंदर क्वेश्चन पूछायेलो छे। साथे वात करूँ के कोषचक्रना तबक्कानो क्रम जणावो तो क्रम पूछायेलो छे जीवन एस जी टू तो ए पण 2019 पूछायेलो छे। तो नीटना तमाम क्वेश्चन जे कोषचक्रनी अंदर पूछायेला छे ते पण आपणा टॉपिकनी अंदर सॉल्व थई गया। साथे साथे जो तमे आ चार्ट प्रिपेर करी लो तो तमारे बोर्ड मतलब के बोर्ड साथे नीटना तमाम क्वेश्चन आपणे क्लियर थई जाय केमके धोरण 11 एक्जाम तो आपणी स्कूल ले छे एटले स्कूलनी एक्जाम अने नीट साथेना तमाम प्रश्नों तमने अहींया आवडी जाय मित्रों। तो आ जोता रहो जरूर अने चेनल ने मित्रों सब्सक्राइब करजो लाइक करजो शेर करजो जेथी मने आवा नवा वीडियो बनावानो इच्छा थाय ने आप सुधी आ पहोंचाड़ी सकूँ। तो आ वीडियो केवो लाग्यो जरूरथी जणावजो। थैंक यू वेरी मच।